अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बढ़िया ही होंगे। इसके बाद तो गाइस मैं आप लोगों को ये बताने वाला था कि मैं बैठ बैठ बोर हो रहा था, तो हमारे इधर गांव के बाहर बाढ़ आया हुआ था, तो मैं सोचा आप लोगों को वो दिखा दूँ। तो मैं गया उधर, तो वो भी के लिए बनाए ब्लॉग। फिर गया मेरे गांव का ताल उधर, मैं उधर घूमते हुए गया, तो उधर मैं नहाने गया था, तो उधर मैं एक ब्लॉग बनाया हूँ। तो सो गाइस, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा भी लगेगा कमेंट में बताना। तो गाइस हम अभी न्यू है, हमारे चैनल का नाम अंसारी 008 है। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो हमारे वीडियो कैसे लगे आप कमेंट में बताना। तो सो गाइस अभी हम न्यू है, इसलिए थोड़ा बना रहे हैं ऐसे, इंशाल्लाह इससे भी और अच्छा आप लोगों को बना के दिखाऊँगा। जो भी होगा आप कमेंट में बताइएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह मिलेंगे। हाय गाइस, आप लोग कैसे हो? आप लोग कैसे हो? ये देखिए हमारे फ्रेंड है, देखिए हम लोग नदी में नहाने आए हैं। ये हमारा गांव का नदी है, इसमें हम लोग नहाते जीते धोते फेंकते रहते हैं, यहाँ हम अपनी जिंदगी गुजारे हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारे विनोद भाई, हमारे सुर भाई जो यूट्यूब पे फेमस है, दानिश जैन की जैसे यूट्यूब पे फेमस हो रहे हैं धीरे धीरे। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी देखिए छलांग लगाने के लगाएंगे सब लोग। आप लोग देख सकते हैं अभी हमारे सिरो भाई कुछ बोलेंगे। आप सब लोगों ने देख लिया, हमारे फ्रेंड है ये विनोद है, इमामुद्दीन है, और हम सब लोग इसमें कूदने जा रहे हैं, काफी टाइम से नहा रहे हैं। सिरो खान हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने ना भूलेगा। अगली वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कैसी कैसी छलांग मारते हैं हम लोग। अभी आप लोग देखना, चलो हे ना यार, छिट क्या होता है? ये भी नहीं होता है। अभी कहाँ देखे हो? ये देखो अभी ये कौन है? हे तू क्यों गांव में आया? और लड़की को चढ़ता है? लड़की हमें देती नहीं है ना। मारो जैसे जैसे मानते रहेंगे वैसे वैसे आपको बीज करना गुरु जी, जैसे जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे बीज करना। अच्छा तो बोलिए ओम 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 सराद करना है जी जी। आपके मैया जी बुला रही है? आपकी मैया जी बुला रही है? अरे हम सराद कराने आए हैं। हम सराद कराने आए हैं। हाँ तो आप ही ने सराद कराने आए हैं। अरे बकलो ले आपका पिताजी ने मरा है। कैसन क्या जजमान मजाक वजाक छोड़िए। ओम चरारम अब
तो सो गाइस आप सब लोग देख सकते हो कि बाढ़ आया हुआ है। हम भी इसमें जाल लगाए हुए हैं, अभी निकाले नहीं हैं, निकालेंगे तो उसके बाद दिखाएंगे आप लोगों को। जी ये सामने दिख रहा है, ये हमारा गांव है। आप सब लोगों को मैं दिखा दूँ चलते चलते। आप सब लोग कैसे हो, आप सब लोग देख रहे हो मैं इसमें नहाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद लगभग 5-6 महीने हो गए इसमें नहा नहीं हूँ, लेकिन आज नहाने जा रहा था सोचा आप लोगों को एक ब्लॉग बना के दिखा दूँ। तो सो गाइस आप सब लोग वीडियो पूरे देख के चल जाएंगे, मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। सब लोग इसमें नहा रहे हैं, मेरा फ्रेंड इसलिए मैं भी सोचा इसमें नहा लूँ, बहुत दिन बाद जा रहा हूँ नहाने, तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। आप सब लोग कुछ ठीक होंगे, आप बेहतरीन होंगे, तो मैं भी इसमें कूदने जा रहा था सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। ठीक है हाय गाइस, आप लोग देख सकते हैं क्या देखिए, काफी की बाढ़ आई, हमारा गांव भी डूब सकता है। नई गाड़ में इस बाढ़ में अभी हम लोग नए हैं भाई, तो पूरा फटेंगे, तो देखिए हमारा गांव भी डूब सकता है, इतना बड़ा बाढ़ आया है। अभी 4-5 मरतबा और बाढ़ आएगा, ये जैसे ये जाम हुआ बाढ़ है, ये बहुत बड़ा बाढ़ आता है। मैं कॉलेज में बोलना चाहता तो सबसे अच्छी बात है, ये देखिए अच्छी बात बोल रहे हैं, हमारे गांव में बाढ़ आ रहा है, पूरी रात से जाम हो जा रहा है पानी डूबने से। तो देखिए काफी अच्छी बाढ़ आई है, गांव भी डूब सकता है, आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? गांव समिति में कह रहा हूँ कि ये नहर जो है साफ करवा दीजिए, पानी तो आप जो कहना चाहते हो, अगर नहर साफ हो जाएगा तो पानी तो निकल जाएगा। हाँ निकल जाएगा, ये सिर तो है, अब वो नहर जा रही है इसलिए सब मिट्टी एक लाइन से गाज दिए। अरे नेता से बोल साइड करवा दीजिए माटी, नेपाल आप लोग देख सकते हैं काफी कोई नेपाल आपको जा बड़े कर दो जी। अभी देखो ऐसे नहर है, हाँ दिखाइए, ये देखिए भाई मैं तो डर रहा हूँ नदी में नहाने से, इसलिए वो कहा कि अगर कैमरा कर दो तो इसलिए यूट्यूब पे मैं भी जाने का कुछ संभावना करता था, इसलिए आ गया उसके तरफ से बोलने लगा। वो यूट्यूब वाला जो पीछे है वही यूट्यूब का मालिक है, आप लोग देख सकते हैं कि ये काफी सारे बच्चे हैं। मैं सिर्फ